Hello friends, welcome to this video of Vocab Builder session 18. आज का हमारा word है impalpable. Impalpable का मतलब होता है अदृश्य. ठीक है बेटा? Yes, अदृश्य. Not able to be perceived by the sense of touch or intangible. जिस चीज को हम छू नहीं सकते, ना ही उसको आंखों से हम देख सकते हैं, उसे कहा जाता है impalpable. ठीक है ना? The creator of this beautiful nature is impalpable. इस सुंदर जगत को बनाने वाला, इस सुंदर दुनिया को बनाने वाला जो भगवान है, कहा जाता है God has created the world. The creator God has created this world for Kurian world. दृश्य जगत को बनाने वाला भगवान स्वयं अदृश्य है. The creator of this beautiful nature is impalpable. खुद अदृश्य है. ठीक है ना? और इस impalpable, एक छोटा सी बात बता देता हूं मैं आपको. जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो चीजों को छू करके समझ जाते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये फैन है, ये टेबल है, ये बुक है. राइट? अंडरस्टैंडेबल. इंटेंजिबल. अब इंटेंजिबल क्या है? जिस चीज को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ना देख सकते ना छू सकते, उसको हम इम्पैल्पेबल या इंटेंजिबल कहते हैं. ठीक है? इसके सिनोनिम्स है इनकॉर्पोरियल या अनसब्सटेंशियल, मतलब जिसको हम अनकंसिडरेबल कहते हैं या अन नॉट अंडरस्टैंडेबल. इनकॉर्पोरियल कॉर्पोरियल वर्ल्ड होता है दृश्य जगत. इनकॉर्पोरियल भगवान है, गॉड क्रिएटर, सुप्रीम पावर जिसको हम कहते हैं. ठीक है? एंटोनिम्स इम्पैल्पेबल के एंटोनिम्स है टैंजिबल, मतलब जो चीजें आंखों से दिखाई देती है जिसको हम छू सकते हैं. अंडरस्टैंडेबल. अब अंडरस्टैंडेबल मतलब आप एक शॉप में जाते हो मान लो, तो वो शॉपकीपर आपको बहुत सारे शर्ट्स दिखा देता है. आप बोलते अरे फलाना कलर है क्या? बोले हाँ हाँ है, दिखाओ दिखाओ. तो देखने के बाद आपको, आप आंखों से देखते हो उसको, टच करके देखते हो, फिर आपको समझ में आता है अच्छा ऐसा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? तो मतलब टच करने से, देखने से आपको चीजें समझ में आती है, इसलिए अंडरस्टैंडेबल. ठीक है ना? लेकिन इनपैल्पेबल का ये एंटोनिम्स है बेटा, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वर्ड के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.